स्टार्ट हूँ। गुड इवनिंग भाई। तो लाइफ क्विज चैलेंज 8, इसका हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। काफी सिंपल क्विज है, एक दो प्रॉब्लम थोड़े ऐसे हैं, तो ध्यान से करते हैं। काफी आसान क्विज हमारे पास है। पहला सवाल ध्यान से पढ़ते हैं। पहला सवाल है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट 2.0 एंड 3.0, यानी दो पॉइंट है 2.0 3.0, उन पर टेंजेंट्स ड्रॉ करना है और उनके बीच का एंगल मुझे बताना है क्या आएगा। तो भाई एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले उन दोनों टेंजेंट्स की क्या चाहिएगी, स्लोप, और स्लोप के लिए क्या चाहिएगा, dy बाय dx। तो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले dy बाय dx तो निकाल के रख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, dy बाय dx इज कमिंग आउट टू बी 2x माइनस 5। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने dy बाय dx निकाल लिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट लेट से 2.0 हम लोग निकाल लेते हैं, तो वो क्या होगा, dy बाय dx एट द पॉइंट 2.0। ठीक है भाई, तो x की जगह 2, y की जगह 0। तो चेक करिएगा कि भाई पहली स्लोप तो हमारे पास m1 निकल कर आ गई। अब हमें 3.0 पे टेंजेंट की स्लोप लिखनी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 3.0 विल बी क्या भाई, dy बाय dx एट विच पॉइंट भाई, 3.0। तो भाई हम लोग यहां पर अब x को क्या डाल दें, 3। तो जैसे ही मैंने x को 3 डाला तो स्लोप क्या आ गई, 1। तो ये हमारे पास हो गया m1 और m2। क्लियरली दिख रहा है कि m1 into m2 is equals to minus 1, और if m1 into m2 equal to minus 1, it means the tangents are perpendicular. तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 90 डिग्री। काफी आसान प्रॉब्लम है, जल्दी से समराइज करता हूं। जब भी कोई मेरे से एंगल पूछता है तो पहले मुझे स्लोप चाहिए, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगाने के लिए। तो m1 और m2 कैसे निकलेंगे, dy बाय dx, dy बाय dx एट द पॉइंट 2.0 एंड dy बाय dx एट द पॉइंट 3.0। वन वुड बी m1, अदर वुड बी m2। यहां पर देखा तो m1 m2 माइनस 1 आ गया, इट मींस एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 90 डिग्री। सवाल काफी आसान है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सवाल पढ़िएगा, ये सवाल भी काफी आसान हमारे पास है, प्लीज पढ़िएगा। अब वैल्यू ऑफ सी, हमें सी की वैल्यू बतानी है, फॉर विच द कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम्स होल्ड्स फॉर दिस फंक्शन इन द इंटरवल। तो काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, फंक्शन की। तो फंक्शन उसने मुझे दिया है, क्या दिया है, ln x। उसके बाद किसकी जरूरत होती है, इंटरवल की। तो इंटरवल भी मेरे को दिया हुआ है 1 से 3। हाँ भाई, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि भाई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। भाई प्लेन लॉगरिथमिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। हाँ भाई, फंक्शन ओपन इंटरवल 1 से 3 में डिफरेंशियबल होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंशियबल होगा। क्यों होगा, प्लेन लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो भाई हमारी एलएमयूटी क्या बोलती है, मैं पूरा अच्छे से लिख के दिखा देता हूं एग्जाम में, तो आपको इस सवाल को करने में 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे। अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी क्या बोलती है भाई एलएमवीटी, कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर, दैट नंबर लेट से सी, दैट सी विल बिलोंग्स टू 1 से 3, जिसके लिए क्या रिलेशन होल्ड करता है भाई, बताइए क्या रिलेशन होल्ड करता है। एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। सारे लोग ध्यान से देखेंगे, एफ ऑफ 3 विल कम आउट टू बी ln 3, एफ ऑफ 1 विल बी ln 1, दैट इज 0, और नीचे कितना आया भाई 2। मुझे अब क्या चाहिए, एफ डैश सी, और भाई एफ डैश सी के लिए
पहले क्या चाहिएगा, एफ डैश एक्स, तो हम लोग इजीली एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, वो क्या होगा 1/x, तो बताओगे एफ डैश सी क्या हो गया 1/c ln 3 अपॉन 2, तो चेक करिएगा सी इज कमिंग आउट टू बी 2 upon ln 3। ठीक है, ऑप्शन को मैच कराने के लिए आई थिंक सारे लोग करा ही सकते हैं, ये 2 log 3 टू द बेस ई है, log की प्रॉपर्टी से 3 यहां आ जाएगा और बेस में ई चला जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, काफी आसान प्रॉब्लम है और आपको समझ में आ गया होगा आंसर इज ए। इतना आपको करना ही नहीं था भाई, सवाल में बोल रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो रही है, सी की वैल्यू निकालिए, तो बस आपको तो एग्जाम में एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1 लगा के आना था, पर मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। ठीक है, काफी आसान प्रॉब्लम है, होने लाइक सवाल है, आसान है काफी। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, टेंजेंट नॉर्मल का प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, द नॉर्मल टू द कर्व, एक एक्स में दिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व दिया है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वाई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एट थीटा ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। ठीक है, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल में बोला है कि भाई ये जो कर्व है इसका नॉर्मल किस फिक्स पॉइंट से पास होगा, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई तो हम लोग बता पाएंगे कि किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिएगा, पॉइंट और स्लोप, पॉइंट तो है थीटा पर ही नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, अब क्या चाहिए स्लोप, स्लोप कैसे निकलता है dy by dx, तो ठीक है हम लोग dy by dx निकालना स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो मुझे बताओगे इससे क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा dx by d theta, इससे क्या निकलेगा dx by d theta, इससे निकलेगा भाई dx by d theta, तो सारे लोग dx by d theta निकालेंगे। a as it is, 1 का डेरिवेटिव 0, cos theta का डेरिवेटिव माइनस sin theta, ठीक है भाई, इससे हम लोग dy by d theta निकाल लेते हैं, तो dy by d theta, a as it is, sin theta का डेरिवेटिव cos theta, जल्दी से dy by dx निकाल लेते हैं, सारे लोग देख लो dy by dx हमारा क्या आ गया, माइनस cos theta by sin theta, ये तो क्या होता है स्लोप ऑफ tangent, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गई sin theta upon cos theta, and now we can easily write the equation of normal, equation of normal क्या होता है y minus y1, what is y1, a sin theta equal to slope, that is sin theta by cos theta into x minus x1, x1 is a cos theta, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन कर रहा हूं, y sin theta cross multiply, sorry cross multiply कर रहा हूं, y cos theta minus a sin theta cos theta equal to x sin theta minus a sin theta minus a sin theta cos theta, कुछ भी नहीं किया, a sin theta cos theta कैंसिल हो गया, और चेक करिएगा प्लीज हमारे पास इक्वेशन क्या निकल कर आ रही है, इक्वेशन क्या निकल कर आ गई भाई, x sin theta minus y cos theta is equals to a sin theta, This is our equation of normal. बस अब आप लोग आराम से देख सकते हो नॉर्मल की इक्वेशन आ चुकी है और आपको दिख रहा होगा कि a comma 0 is satisfying this equation. x की जगह a डालो, y की जगह 0 डालो,
जो चेक करिए, ए साइन थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा जीरो। ठीक है भाई, ये भी हमारे पास काफी आसान प्रॉब्लम है, कुछ मैंने किया ही नहीं, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी थी, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप dy by dx से निकलती है, तो dx by d थीटा निकाला, dx dy by d थीटा निकाला, दोनों को डिवाइड किया, टेंजेंट की स्लोप आई, नॉर्मल की स्लोप आई, नॉर्मल की इक्वेशन आराम से लिख दी गई, काफी सिंपल प्रॉब्लम है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान से आराम से नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे, सवाल में कुछ भी नहीं होता है, ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोग कर पाएंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं होता है सवाल देख के। अ क्यूब ऑफ आइस, एक आइस क्यूब है दैट इज मेल्टिंग विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 cm³/min। एक आइस क्यूब है जो कि मेल्ट हो रही है किस रेट से, 4 cm³/min से, यानी ये समझ में आ रहा है, ये आइस क्यूब के वॉल्यूम का रेट चेंज है, dv by dt है। ठीक है, एक बार स्टार्ट तो कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ भाई, आइस क्यूब, वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब, हाँ भाई आइस क्यूब का वॉल्यूम, उसे मैं थोड़ी देर के लिए v बोल दूं, और वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब, साइड का क्यूब। ठीक है, ये क्या था, dv by dt, यानी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, v का डेरिवेटिव dv by dt, a क्यूब का डेरिवेटिव 3a² a का डेरिवेटिव da by dt। भाई हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया, और ये किसके बराबर दिया है, -4 के बराबर। आई थिंक हमें समझ में आ रहा होगा ये माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है मेल्ट करने पर। ठीक है, इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, यानी मुझे सरफेस एरिया का चेंज निकालना है, तो पहले ऐसा करते हैं सरफेस एरिया लिख देते हैं, कैपिटल ए लिख दो। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 faces का एरिया 6a² हमें सवाल में निकालना क्या है, dA by dt हमको सवाल में निकालना है, निकालना स्टार्ट करते हैं, dA by dt is coming out to be 12a, a का dA by dt, ये हमारे पास है नहीं, ये हमको निकालना है। अब खुद बताओ अगर ये a dA by dt की वैल्यू निकल जाए तो काम हो जाएगा, देखते हैं, ये रिलेशन तो अभी तक यूज किया नहीं है, और एक इंफॉर्मेशन और दी है कि हमें सारा काम कब करना है, जब क्यूब का वॉल्यूम 125 cm³ है, हमें ये सारा काम उस इंस्टेंट पे करना है जब वॉल्यूम a क्यूब जो है दैट इज इक्वल्स टू 125, यानी a इज इक्वल टू 5। ठीक है भाई, a को मैं यहां पे 5 डाल रहा हूं, आप भी डालिए, a को 5 जैसे ही डालूंगा तो 15 a dA by dt इक्वल टू -4। चेक करिएगा प्लीज, यहां से आपको दिख गया होगा a dA by dt की वैल्यू आ चुकी है कितने, -4/15। तो यहां से आप लोग अगर चेक करोगे तो आई एम गेटिंग a dA by dt इक्वल्स टू -4/50। इसे कहां पुट कर दूं, हमें समझ में आ गया होगा, 12 पढ़ा था और a dA by dt की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज -4/50। ठीक है भाई, दैट इज इक्वल्स टू -16/5, आंसर इज बी। आई थिंक काफी सिंपल प्रॉब्लम था, जल्दी से समराइज कर देता हूं, क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब dv by dt -4 दे रखा है, ठीक है, सरफेस एरिया 6a² dA by dt पूछा है, ये निकालने के लिए a dA by dt की रिक्वायरमेंट होगी, a dA by dt यहां से निकल जाएगा, बस खुद देखो यहां से चाहिए a dA by dt, वो यहां से निकलेगा, और यहां से a dA by dt निकालने के लिए a का पता होना चाहिए, a पता है 5 के बराबर है।
ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मुझे लगता है ये सवाल भी काफी आसान था, आराम से होने लायक था भाई। ठीक है, बाद में एनालाइज करना कितने सवाल आसान थे, कितने आप लोग करके लाइक कर किए हैं आप लोगों ने। हाँ, लेट एफ बी आ, पढ़ लीजिए, लेट एफ बी आ डिफरेंशियबल फॉर ऑल एक्स। एफ एक फंक्शन है जो कि हमेशा डिफरेंशियबल है। एफ ऑफ वन की वैल्यू -2 दी हुई है, एफ डैश बोला है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेकर 6, और ऑप्शन में एफ ऑफ 6 पे कमेंट करवाया है। तो खुद से दिमाग लगाइए और खुद से आपको क्लिक करना चाहिए। एफ डिफरेंशियबल दिया है, एक इंटरवल दिया है, इंटरवल में एफ ऑफ 1 पता है, एफ ऑफ 6 निकालना है और एफ डैश दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ सोचो मैथमेटिक्स में जहां पर फंक्शन डिफरेंशियबल दिया जाए, एंड पॉइंट पे आंसर, एक एंड पॉइंट पे आंसर दिया जाए और दूसरे एंड पॉइंट पे आंसर पूछे और एफ डैश के बारे में भी दिया जाए आपको। तो मुझे लगता है ये सारी बातें कहाँ आती हैं, रिकॉल कर लो अब तक तो ये सारी बातें LMVT में आती हैं, मीन वैल्यू थ्योरम में आती हैं। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फंक्शन। वो तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई फंक्शन तो fx है। उसके बाद क्या चाहिए, इंटरवल। इंटरवल तो सवाल में मेंशन है 1 से लेकर 6। इसके बाद LMVT के लिए फंक्शन का क्या होना जरूरी है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, वो तो दे ही रखा है। तो भाई अब LMVT क्या बोलती है कि कम से कम एक सी जरूर आएगा 1 से 6 के बीच में, जिसके लिए, पूरा लिख रहा हूं अच्छे से, एफ डैश ऑफ सी एफ ऑफ 6 - f(1)/(6 - 1) के बराबर होगा। एफ ऑफ 6 मुझे नहीं पता, f(1) मुझे पता है दैट इज -2, तो पता है +2 आ गया और अपॉन में 5 इक्वल टू में एफ डैश ऑफ सी। अब सिर्फ किसका इंटरवल चाहिए, एफ ऑफ 6 का, उसके लिए एफ डैश सी दे रखा है। क्या दे रखा है कि एफ डैश सी जो है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा है। ठीक है, दिख गया होगा भाई आपको, 10 - 2 यानी एफ ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 8। आई थिंक आंसर इज ए, और मुझे लगता है ये भी सवाल काफी आसान है। कुछ खास काम नहीं किया, खुद से क्लिक कर जाना चाहिए था कि भाई एफ ऑफ 1 दिया है, एफ ऑफ 6 पूछा है, एफ डैश दिया है, फंक्शन डिफरेंशियबल भी दिया है, एफ ऑफ ए पता है, एफ ऑफ बी पूछा है, एफ डैश सी दे रखा है। इससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन वो आपको एग्जाम में और क्या देगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में उसने मेरे को एक फंक्शन दिया है, ये तो बात समझ में आ रही होगी, 10 है तो इसका मतलब x कांट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। बिल्कुल सही बात है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है और कोई मेरे से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा की बात करे तो हमें क्या निकालना है, dy बाय dx। तो सारे लोग जल्दी से dy बाय dx निकाल देंगे, f डैश ऑफ x, 4 tan x का डेरिवेटिव, 4 sec² x, टेन स्क्वायर का 2 tan x sec² x, 10 cube x का 3 tan² x * sec² x। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स बोलती ही है कि भाई कॉमन निकाल लो। मुझे लगता है सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आने के बाद लास्ट टर्म में 3 tan² x बचा, सेकेंड टर्म में -2 tan x बचा और पहली टर्म में
फोर बचा। आई थिंक मैथमेटिक्स ये भी कहती है आपको आसान करना है तो जो बार बार दिख रहा है उसे थोड़ी देर के लिए टी मान लो। दिखा देता हूं कि टी मानने से क्या हुआ, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स का साइन। डी वाई बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव आया, इंक्रीजिंग हमेशा नेगेटिव आया, डिक्रीजिंग और पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आ गया तो उसमें कोई ना कोई मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो आप खुद से पता लगा लो ये जो ब्रैकेट में पड़ी हुई है ये एक क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है और इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यूज देगी। सेक स्क्वायर एक्स तो वैसे ही पॉजिटिव होता ही है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन। इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन की डोमेन में फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। तो आंसर इज ए, कुछ खास काम किया ही नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डी वाई बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, हमेशा नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी आ जाएगा भाई। आई होप हम लोगों को समझ में आ गया, तो ये भी काफी आसान प्रॉब्लम है, कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास टेंजेंट नॉर्मल का सवाल है। दो कर्व दिए हैं और दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉल करो ये सवाल है दो कर्व के बीच के एंगल का। दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री सवाल में उसने मेरे को दे दिया है। छोड़ो, किसी भी प्रॉब्लम में दो कर्व के बीच में कोई एंगल की बातें करता है। रिकॉल करो, दो कर्व के बीच में कोई भी एंगल की बातें करता है तो हमें टेंजेंट्स की क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप के लिए क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स कहां निकालते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, यहां पर जहां पर कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। तो रिकॉल करो, इन एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होता है। तो भाई एक कर्व है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक कर्व है एक्स वाई इक्वल टू ए क्यूब, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। x को यहां पे y स्क्वायर डाल दो, x को जैसे ही y स्क्वायर डाला y क्यूब इज कमिंग आउट टू बी a क्यूब, इसका मतलब y इज कमिंग आउट टू बी a, y को अगर मैं यहां पर a डाल दूं तो x इज कमिंग आउट टू बी a स्क्वायर। ठीक है, तो भाई हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है, क्या ए स्क्वायर कॉमा ए। अब जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों टेंजेंट्स का स्लोप, दोनों कर्व के लिए डी वाई बाय डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और टू से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो भाई मैं पहला कर्व उठा रहा हूं एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, डी वाई बाय डी एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx। तो चेक करिएगा भाई, dy by dx is coming out to be 1 upon 2y and y is a, point of contact में y क्या दिख रहा है, a। तो चेक करिए, slope is coming out to be 1 by 2a, that is the slope of tangent at the point of intersection for the first curve. Now consider the second curve, xy equal to a cube। अब यहां से भी dy by dx निकालने के लिए पता लग रहा होगा uv रूल लगेगा, लगाते हैं x as it is,
y का डेरिवेटिव dy by dx, y as it is, x का डेरिवेटिव 1, a क्यूब का डेरिवेटिव 0. प्लीज सारे लोग चेक करेंगे, dy by dx is coming out to be minus y by x. और हम ये dy by dx कहां निकालते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे. तो y की जगह a, x की जगह a स्क्वायर, y की जगह a, x की जगह a स्क्वायर. तो प्लीज चेक करिएगा, दिस स्लोप इज कमिंग आउट टू बी माइनस वन अपॉन ए. एंड नाउ इट इज गिवन दैट कर्व्स आर ऑर्थोगोनल. और मुझे लगता है कर्व्स अगर ऑर्थोगोनल हैं, तो m1 वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन. कर दीजिए खत्म, वन अपॉन टू ए इंटू माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस वन. चेक कर लीजिए सारे लोग, a स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 1 बाय 2. दिस इज आवर आंसर डी. काफी आसान प्रॉब्लम है, मैंने तो प्रॉपर एक एक बात लिखी है भाई आपके लिए, इसलिए मेरे को टाइम लगा है. और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम एक मिनट से ज्यादा तो लेगी ही नहीं, मैंने 1.5 मिनट मेंशन किया था. बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, एंगल की बातें कोई करे तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद dy by dx दोनों के लिए स्लोप्स आ गई, तो tan theta equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. यहाँ पे तो m1 m2 minus 1 दिया हुआ था. ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से हम लोग सवाल को पढ़ेंगे. इफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन उसने मेरे को दी है और इस इक्वेशन का रूट बोल रखा है पॉजिटिव रूट, दैट इज अल्फा. मैं एक बार लिख देता हूं भाई आपके लिए, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स इक्वल्स टू जीरो. इसका एक पॉजिटिव रूट है, दैट इज अल्फा, ये सवाल में मेंशन है. देन द इक्वेशन दिस वन हैज अ पॉजिटिव रूट विच इज greater than alpha, smaller than alpha, greater than or equal to alpha, or equal to alpha. कहने का मतलब, उसने आपको एक equation और दी है. ये equation दी है और आपको इस equation का root निकालना है. आपको इस equation का root निकालना है. ठीक है भाई, आपको बताना है कि इस इक्वेशन का रूट क्या होगा. आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि इस इक्वेशन का रूट हम लोग जीरो से अल्फा में एक बार देख लेते हैं. आई थिंक आइडिया भी आपको लग गया होगा कि भाई रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब जीरो से, लो जीरो भी हटा देते हैं भाई. रूट सवाल में साफ साफ बोला है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहने देते हैं और एक अल्फा बना देते हैं, कि अल्फा के अबाउट ही सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, तो रिकॉल करिए सारी थ्योरी. कोई भी अगर मेरे से किसी भी रैंडम इक्वेशन का किसी भी रैंडम इंटरवल में नंबर ऑफ रूट्स पूछता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जिस इक्वेशन का रूट पूछा है, किसका, इसका, उसे ही हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लिया करते हैं. ठीक है, और ये मानने के बाद एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ जीरो निकाला करते हैं. अगर एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ जीरो का साइन अगर अपोजिट आ जाता है, तो कंफर्म्ड जीरो और अल्फा के बीच में एक रूट जरूर होगा. अगर सेम आ जाता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर डिस्कस करना पड़ेगा, और अगर आप साइन बता ही नहीं पाते हो तो आपको रोल्स थ्योरम लगानी पड़ेगी. देख लेते हैं भाई, f ऑफ जीरो आप ही निकालिए, f ऑफ जीरो इज कमिंग आउट टू बी a1. तो मैं f ऑफ जीरो निकाला a1, और मुझे नहीं पता कि a1 का साइन क्या है. आई एम नॉट एबल टू डिटरमाइन द साइन ऑफ फंक्शन एट द एंड पॉइंट्स. इट मींस नाउ आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम बाय रोल्स थ्योरम. हाँ भाई, और रोल्स थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फंक्शन.
और फंक्शन कैसे लेते हैं, क्या सिखाया गया था कि जिस इक्वेशन का रूट पूछा है, इस इक्वेशन का रूट पूछा है, सब सिखाया गया है कि भाई जिस इक्वेशन का रूट पूछा गया है उस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके एक फंक्शन लेट करना होता है। तो भाई इसको इंटीग्रेट करते हैं और नया फंक्शन लेट करते हैं। आपसे इस इक्वेशन का रूट पूछा है या इस इक्वेशन का रूट पूछा है? आई थिंक सेकंड वाले का रूट पूछा है, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करके एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। सारे लोग कंसीडर करेंगे इसका इंटीग्रल, एन लिख लेते हैं, एन ए एन एक्स की पावर एन अपॉन एन, एन एन कैंसिल, इट इज कमिंग आउट टू बी ए एन एक्स की पावर एन। प्लीज ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, एन माइनस वन कैंसिल, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, लास्ट में ए वन का इंटीग्रेशन ए वन एक्स और प्लस सम कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेट्स से कुछ के लगा, कुछ के लगा देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और अब रूल्स थ्योरम लगा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल होना चाहिए। भाई कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल तो है, ये प्लेन पॉलिनोमियल है, इसका मतलब एंड पॉइंट पे एक बार आंसर और निकाल के रख लेते हैं। एफ ऑफ जीरो, प्लीज चेक करिए, एफ ऑफ जीरो इज कमिंग आउट टू बी के। एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा चेक करिए, एफ ऑफ अल्फा इज कमिंग आउट टू बी के। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एफ ऑफ जीरो तो के है और एफ ऑफ अल्फा निकालोगे तो यहां से लेकर यहां तक का टर्म जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, इसे देख सकते हो, अल्फा डालने पर सेटिस्फाई करेगा। हो गया, रोल्स थ्योरम लग गई, काम खत्म। बस अब रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर, आई एम सेइंग दैट नंबर इज सी, दैट सी हैज टू लाई बिटवीन, दैट सी हैज टू लाई बिटवीन जीरो से अल्फा, फॉर विच, क्या एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो। बस अब डिफरेंशिएट मार दो और डिफरेंशिएट मारोगे तो मुझे लगता है एन ए एन सी की पार एन माइनस वन, एन माइनस वन ए एन माइनस वन सी की पार एन माइनस टू अप टू ए वन, और के का डेरिवेटिव तो जीरो। और आप लोग जल्दी से चेक कर सकते हो, एफ डैश सी आपने क्या बोला था भाई, इक्वल टू जीरो, तो आप लोग चेक कर सकते हो और मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि भाई ये जो आपने, ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपने इक्वेशन दी हुई थी सवाल में, और इस रिलेशन को ध्यान से देख लीजिए, आई थिंक इस रिलेशन को देखकर समझ में आ रहा होगा कि सी इस इक्वेशन का रूट है और सी जीरो से अल्फा के बीच में लाए कर रहा है। ठीक है भाई, सी इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इससे पता लग रहा है, सी इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इससे पता लग रहा है, एंड सी इज लाइंग बिटवीन जीरो से अल्फा। कहां लिखा है, ये लिखा, सी इज लाइंग बिटवीन जीरो से अल्फा, यानी इस इक्वेशन का एक रूट तो कम से कम जीरो से अल्फा के बीच में है कंफर्म्ड, तो रूट इज स्मॉलर देन अल्फा, आंसर इज आ गया भैया, नहीं आ गया मतलब मैं कंफर्म होके बोल सकता हूं कि भाई एक रूट अल्फा से जरूर छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा। आपको समझ में आ भी रहा होगा कि भाई इस रिलेशन को देखें और इस रिलेशन को देखें तो समझ में आ रहा है कि सी इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई कर रहा है ना, सेम ही रिलेशन आ रहा है, एंड सी इज लाइंग बिटवीन जीरो से अल्फा, आ गया होगा। काफी सिंपल प्रॉब्लम है, अगर हमने पहले इस तरह के सवाल वर्कबुक से प्रैक्टिस किए हैं, बिल्कुल फिक्स प्रोसेस होता है। अगर कोई मेरे से किसी भी रैंडम इक्वेशन के रैंडम इंटरवल में
रूट्स की बातें करने को बोलता है, तो सबसे पहले तो मैं एंड पॉइंट पे साइन देख लेता हूं, अगर अपोजिट आ जाता है तो एटलीस्ट एक रूट होगा, और अगर साइन नहीं बता पाता हूं तो मैं सवाल को रोल्स थ्योरम से कर दिया करता हूं। रोल्स थ्योरम से कैसे करते हैं, जिस इक्वेशन का रूट निकालना है उस इक्वेशन का इंटीग्रल करके एक फंक्शन कंसीडर करना होता है। लॉजिकल भी है, इंटीग्रल करके फंक्शन का कंसीडर करोगे तो रोल्स थ्योरम में जब डेरिवेटिव करोगे एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो करोगे तो दोबारा से वही इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैंने काफी टाइम लगा दिया, पर इतना टाइम आई थिंक आप एग्जाम में लगाओगे नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल काफी आसान है। एक क्यूबिक दी है और बोल रखा है कि भाई इस क्यूबिक के तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, और ये तो पता है ना कि भाई अगर किसी क्यूबिक के तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे तो एक मैक्सिमा आएगा और एक मिनिमा आएगा, कंफर्म्ड है। मुझे लगता है मैक्सिमा और मिनिमा की ही बातें कर रहा है। चलिए जल्दी से कर देते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू। हाँ भाई, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि डी वाई बाय डी एक्स जीरो होना चाहिए या फिर डी वाई बाय डी एक्स फेल होना चाहिए। इसके लिए तो डी वाई बाय डी एक्स फेल तो होगा ही नहीं, डी वाई बाय डी एक्स जीरो के बराबर कर देते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पी, प्लीज चेक कर लीजिए, एक्स इज कमिंग आउट टू बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ पी बाई थ्री। एक्स की दो वैल्यू आ गई। अब ये जो दो वैल्यू आई है इसमें से कंफर्म्ड एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा। अभी आपको बताया था कि भाई क्यूबिक के अगर तीन रूट हैं तो कंफर्म एक मैक्सिमा मिनिमा आना ही है। तो ऐसा करते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स टू से ही पता कर देते हैं, क्योंकि डी टू वाई बाय डी एक्स टू काफी आसान है। क्या डेरिवेटिव आ गया, सिक्स एक्स आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एफ डबल डैश ऑफ अंडर रूट ऑफ पी बाई थ्री, अगर मैं यहां पे अंडर रूट ऑफ पी बाई थ्री डालता हूं तो इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, और एफ डबल डैश ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ पी बाई थ्री इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। यहां पर मैं एक्स को माइनस अंडर रूट पी बाई थ्री डाल रहा हूं तो नेगेटिव आ रहा है। एफ डबल डैश पॉजिटिव आने का मतलब लोकल मिनिमा, और एफ डबल डैश नेगेटिव आने का मतलब लोकल मैक्सिमा। तो पता लग गया कि भाई लोकल मैक्सिमा कहां आया है, अंडर रूट ऑफ माइनस पी बाय थ्री। तो ढूंढ लो ऑप्शन, लोकल मैक्सिमा इज एट माइनस अंडर रूट ऑफ पी बाय थ्री, लोकल मिनिमा एट अंडर रूट ऑफ पी बाय थ्री। यू कैन चेक, ऑप्शन इज ए। और ये तो काफी सिंपल प्रॉब्लम है, दो मिनट तो मैंने लिख दिया है, hardly it will take 45 to 50 seconds to solve. कुछ किया ही नहीं, डी वाई बाई डी एक्स बहुत आसान, डी टू वाई बाई डी टू बहुत आसान। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाउ मेनी रियल solutions, यानी आपको बताने कितने रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के, इंटरवल क्या दिया है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो यानी हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ रूट्स बताने किसके, एक्स की पावर 7 प्लस 14 एक्स की पावर 5 प्लस 16 एक्स क्यूब प्लस 30 एक्स माइनस 560, किस इंटरवल में, माइनस इनफिनिटी से लेकर इनफिनिटी के इंटरवल में। सही है बात, रिकॉल कर लो, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ इक्वेशन इन एनी इंटरवल, सबसे पहले एंड पॉइंट्स पे साइन, एफ ऑफ इनफिनिटी
यू कैन सी एफ ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी यू कैन चेक एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी. इन्फिनिटी की पावर 7 इज इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की पावर 7 इज माइनस इन्फिनिटी. इसका मतलब दे आर गिविंग अस अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन का मतलब हमें समझ में आ गया होगा. आप लोग देख भी सकते हो x को infinity put करने पे y is infinity, x को minus infinity put करने पे y is minus infinity. ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ रहा होगा कि ये जो फंक्शन हमने लिया है कॉन्टिन्यूस तो है, ये ब्रेक तो होना ही नहीं है. अपोजिट साइन आ रहा है, कम से कम एक बार तो कट करेगा, करेगा हमसे एटलीस्ट एक रूट तो होगा, हमने बता दिया. अब एग्जैक्ट कितना होगा अब खुद सोच लो. अगर ये फंक्शन ऐसा हुआ, कैसा, इंक्रीजिंग, तो एक ही रूट होगा. और अगर फंक्शन पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया, तो कितने रूट आ गए, 3. तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले अब क्या निकालना है, एफ एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, यानी एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स, एक्स की पावर 7 का डेरिवेटिव, 7x की पावर 6, 14x की पावर 5 का डेरिवेटिव, 70x की पावर 4, 16x क्यूब का 48x स्क्वायर, 30x का 30. नाउ यू कैन इजीली सी कि f डैश x इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव. इसका मतलब fx इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट है. तो आंसर इज बी. और मुझे लगता है ये सवाल भी आसानी है, बिल्कुल जनरल प्रोसेस है, कन्वेंशनल अप्रोच है. व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ इक्वेशन इन एनी इंटरवल, सबसे पहले एंड पॉइंट पे साइन, अपोजिट आ गए तो कम से कम एक रूट है. अब एग्जैक्टली की बातें करनी है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम, यू विल हैव टू कमेंट अपॉन दैट. काफी आसान प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं. अभी जो नेक्स्ट सवाल है ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो ये भी काफी आसान है, बस थोड़ा सा थियोरेटिकल प्रॉब्लम है. एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1. एक क्यूबिक दे दे, बोल रखा है कि भाई लोकल एक्सट्रीमा एट अल्फा एंड बीटा, यानी क्यूबिक में अल्फा और बीटा पर, सॉरी क्यूबिक में आपको अल्फा और बीटा पर लोकल एक्सट्रीमा दे दिए. अल्फा और बीटा पर उसने आपको क्या दे दिए भाई, लोकल एक्सट्रीमा दे दिए. ठीक है, अब खुद बताओ किसी क्यूबिक में अगर दो लोकल एक्सट्रीमा हो, इसका मतलब सॉरी अगर क्यूबिक में दो लोकल एक्सट्रीमा हो तो इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, या फिर ग्राफ कुछ इस तरह का होगा. होगा भाई, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ये वीडियो दिक्कत कर रहा है. ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब मेरे को ये बताओ इस प्रॉब्लम में इसका जो पहला ऑप्शन है कि 3 इक्वल रूट्स होंगे, मुझे लगता है ये तो गलत हो गया, क्योंकि 3 अगर इक्वल रूट्स हो गए क्यूबिक के तो कुछ ग्राफ इस तरह का बन जाएगा या नहीं बनेगा. और इस तरह का बन गया तो मुझे लगता है 2 लोकल एक्सट्रीमा आएंगे ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो गलत है. ठीक है, थोड़ा और ध्यान से देखते हैं. सवाल में बोल रखा है अल्फा बीटा इज लेस देन 0. ठीक है, साथ साथ करते हैं, ध्यान से करते हैं. लेट दिस वन इज अल्फा, लेट दिस वन इज बीटा. एक इधर बनाया है और एक इधर बनाया है, समझ में आ गया होगा क्यों, अल्फा बीटा लेस देन 0 था. इसके बाद बोला है एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज लेस देन 0. इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा भी अपोजिट साइन के हैं. पता है, इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ के ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई इस क्यूबिक के 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, क्योंकि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है अल्फा और बीटा पर, और अल्फा और बीटा का साइन अपोजिट है.
चलो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया, तीन इक्वल रूट्स तो नहीं हो सकते। ठीक है, जरा ऑप्शन बी देखिए, इसमें बोल रखा है कि भाई एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव है, एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद बोल रखा है कि भाई एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव है, एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव है, ठीक है भाई। तो आपका जैसा मन करे अब क्यूबिक का ग्राफ बना दो, और इन अल्फा और बीटा पे मिनिमम मैक्सिमा तो आपको बनाना ही है, चलो बना देते हैं। जैसे मर्जी आए वैसा आप कोई भी ग्राफ बना दो, मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बताओगे इस ग्राफ में कितने नेगेटिव रूट है, दो। मुझे लगता है सवाल ने बोल रखा था कि एग्जैक्टली एक नेगेटिव रूट आएगा, एग्जैक्टली एक नेगेटिव रूट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वी कांट कमेंट अपॉन द पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर द बी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। एक बार चलिए सारे लोग ऑप्शन सी की तरफ भी चले जाइए, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। ऑप्शन सी में एफ ऑफ अल्फा उसने पॉजिटिव दिया है यानी यहां, और एफ ऑफ बीटा उसने नेगेटिव दिया है यानी यहां। जैसा मर्जी है ग्राफ बना लीजिए, मैं बना देता हूं, बना दिया ग्राफ। अब आप इस ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि इस ग्राफ में कितने पॉजिटिव रूट है, दो पॉजिटिव रूट है, टू पॉजिटिव रूट। पर लेकिन सवाल ने क्या बोले थे कि एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट होगा, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर इज डी, वी कांट कमेंट कि भाई एक पॉजिटिव रूट होगा या दो पॉजिटिव रूट होंगे। रूट एक भी पॉजिटिव हो सकता है, रूट दो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर ये वाला ग्राफ देखो ऐसे भी तो बन सकता था, अल्फा पर आंसर पॉजिटिव, एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव बोला था, एफ ऑफ बीटा नेगेटिव बोला था, हो सकता था ग्राफ इस तरीके से बन जाए, ठीक है। पर आप लोग बोल सकते हो वैसे ये ग्राफ तो होगा ही नहीं, आप बता भी सकते हो क्यों, ध्यान से ये भी देख सकते हो, f of 0 is coming out to be 1, f of 0 is coming out to be 1, और f of 0 1 है तो ग्राफ डेफिनेटली ऊपर से पास होगा, नीचे से पास नहीं होगा। मुझे लगता है हमारा ये सवाल तो खत्म हो गया। हाँ भाई दोबारा से बात कर देता हूं, तीनों इक्वल रूट, तीनों इक्वल रूट तो होंगे ही नहीं, एग्जैक्टली तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ऑप्शन बी समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया क्यों गलत है, मैंने आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला ग्राफ बना के दे दिया। ऑप्शन सी भी समझ में आ गया क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला ग्राफ बना के दे दिया, एफ अल्फा नेगेटिव सॉरी एफ अल्फा पॉजिटिव एफ बीटा नेगेटिव लेना था, मैंने ग्राफ क्यूबिक का बना दिया, दो पॉजिटिव रूट आ गए। तो थ्योरेटिकल सवाल है, काफी आसान सा सवाल है, एनालाइज करेंगे तो सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। चाहे तो इस प्रॉब्लम को हम लोग मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम विल हार्डली टेक 1 or 1.5 minutes, 1 minute भी सिर्फ सोचने का करा तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं है सवाल। चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये काफी आसान प्रॉब्लम है, पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन इज मैच्ड बिलो अगेंस्ट एन इंटरवल, यहां फंक्शन दिया है, यहां इंटरवल दिया है, where it is supposed to be increasing, यानी इस फंक्शन का इंक्रीजिंग का इंटरवल ये है, इस फंक्शन का इंक्रीजिंग का इंटरवल ये है, which of the following pair is incorrectly matched, I think समझ में आ गया होगा, this is our function, this is an interval of increasing, तो हमें बताना है कि भाई किस फंक्शन के अगेंस्ट उसका इंक्रीजिंग वाला इंटरवल नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है ये हमारा चार सवाल हो गए, ऑर्डर में चलते जाते हैं। ऑप्शन ए में फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x² + 3x + 3, जल्दी से एफ डैश एक्स निकाल लो, 3x² - 6x + 3, 3 शायद कॉमन आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी x - 1 का होल स्क्वायर, कंफर्म्ड है हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन माइनस इनफिनिटी से
इन्फिनिटी। दिस ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है भाई, ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, डायरेक्टली कर देता हूं। ऑप्शन बी को डिफरेंशिएट करो, एफ डैश ऑफ एक्स विल कम आउट टू बी 6x² - 6x - 12, 6 कॉमन, x² - x - 2, फैक्टराइज करिए, इट विल फैक्टराइज इनटू x - 2 - x+1। ठीक है, इंक्रीजिंग का इंटरवल बताना है, ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, -1, 2, ये इंटरवल आया और ये इंटरवल आया। फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है? माइनस इनफिनिटी से -1, यूनियन 2 से इनफिनिटी। ठीक है भाई, हम लोग 2 से इनफिनिटी तक इंक्रीज बोलेंगे, तो 2 से क्लोज भी कर सकते हैं। आई थिंक इट मेक सेंस आल्सो। कोई बोले 2 से इनफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है, हाँ बिल्कुल, क्लोज 2 से लेकर इनफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड। आते हैं ऑप्शन सी पे। कोई बोले 2 से इनफिनिटी इंक्रीज कर रहा है, हाँ तो 2 पे भी इंक्रीज कर रहा है, कौन सा बहुत बड़ा बात है। हाँ भाई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के लिए जल्दी से एफ डैश एक्स निकालो। क्या आ गया एफ डैश एक्स? 6x - 2। इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है तो पॉजिटिव कर दो। एक्स ग्रेटर देन क्या आ गया? 1/3, यानी 1/3 से इनफिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज करेगा। आई थिंक दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। आंसर इज सी। सवाल में यही पूछा था कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, तो मुझे लगता है ये सवाल तो काफी आसान है। हार्डली इट विल टेक 1.5 मिनट्स टू सॉल्व। बस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना था। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ dy/dx को ग्रेटर देन 0 करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व दे दिया एट एनी पॉइंट थीटा, समझ गए होंगे नॉर्मल लिखना है। नॉर्मल लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो दिया है थीटा, बस क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप के लिए क्या चाहिए? dy/dx। और अब हमें आता है कि dy/dx निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? dx/dθ निकालिए, निकालते हैं। a भार एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। पता लग रहा होगा इसमें यूवी रूल लगेगा, लगा दो। प्लस थीटा एज इट इज, साइन थीटा का कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा एज इट इज, थीटा का 1, साइन थीटा कैंसिल। चेक करिए, इट इज कमिंग आउट टू बी ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से क्या निकाल दें? dy/dθ निकालते हैं, निकालिए। ए जो बाहर पड़ा है एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और पता है इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। माइनस थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो इट वुड बिकम प्लस साइन थीटा। माइनस कॉस थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1, दिस इज कैंसल्ड आउट, दिस इज कैंसल्ड आउट, इट इज कमिंग आउट टू बी ए थीटा साइन थीटा। क्या निकालना था? dy/dx। आई थिंक मिल चुका है dy/dx। dy/dx इसको इससे डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये तो किसकी स्लोप होती है? टेंजेंट की। हमें तो किसकी स्लोप चाहिए थी? नॉर्मल की। तो रेसिप्रोकेट करके माइनस साइन लगा दो। अब ये स्लोप क्यों चाहिए थी? नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए, तो लिख दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लिखते हैं भाई क्या होती है, y माइनस वाई वन, और y1 चेक कर लो, दैट इज a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू m, m इज माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इनटू में क्या होता है x माइनस x1। देखो भाई x
माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। बस अब कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म वुड बी वाई साइन थीटा, सेकेंड टर्म वुड बी माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, लास्ट टर्म वुड बी ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। वो जो माइनस कॉस थीटा बाहर पड़ा है उसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। यू कैन इजीली चेक दिस टर्म इज कैंसल्ड आउट विद दिस टर्म, कलेक्ट द कोएफिशिएंट्स, आई एम गेटिंग x cos theta plus y sin theta is equals to x cos theta plus y sin theta is equals to a cos square theta plus a sin square theta. That is a. So this is the equation of normal. ये हमें normal की equation मिल गई। और भाई अगर किसी को normal की equation मिल जाए तो अब वो मेरे से कुछ भी मांग ले, मैं उसे कुछ भी दे सकता। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन डी इज द आंसर। इट इज एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दिख रहा होगा इसका डिस्टेंस ओरिजिन से ए यूनिट्स के बराबर है। ठीक है भाई, कॉन्स्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आई थिंक ये सवाल भी मैं आसान वाली कैटेगरी में ही डाल सकता हूं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पर तब भी 3 मिनट तो नहीं लगेंगे कैलकुलेशन करने में, हार्डली 2 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मैं भाई कॉपी कर रहा हूं, हमें बताना है देन आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में लिखा है नीदर ऑड नॉर इवन, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है। दैट वुड कम आउट टू बी माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स दैट इज एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स दैट वुड बी प्लस साइन एक्स। चेक करिए माइनस कॉमन आ रहा है, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो मुझे लगता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज कमिंग आउट टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब फंक्शन ऑड है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी सी डी में क्या है, डिक्रीजिंग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बातें करें तो सबसे पहले क्या निकालेंगे dy by dx निकालते हैं। ये समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाते हैं x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन x का डेरिवेटिव माइनस cos x, cos x cos x कैंसिल्ड आउट, dy by dx इज कमिंग आउट टू बी माइनस x साइन x। ठीक है भाई, dy by dx हमारा ये आ गया। अब खुद बताओ dy by dx ये आ गया, प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इक्वल टू जीरो करने पर आई थिंक काफी सारे एक्स आ जाएंगे, पता लग रहा होगा सारे मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे हैं, जीरो पाई टू पाई थ्री पाई माइनस पाई माइनस टू पाई माइनस थ्री पाई, बट मुझे सवाल में जीरो पर पाई पर और माइनस पाई पर बातें करनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं साइन स्कीम बना लेता हूं, इक्वल टू जीरो करके एक्स मिलेंगे ना भाई आपको, तो बताओगे कौन कौन से एक्स मिले। एक तो मिला पाई, एक कौन मिला माइनस पाई, और गलती मत कर देना, डोंट मार्क जीरो ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर जीरो को मार्क मत करना। लॉजिक आपको समझ में आता है, एक वर्कबुक में भी प्रॉब्लम है जीरो को मार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, यानी जीरो इवन टाइम्स है, और जो इवन टाइम्स होता है हम उसे मार्क नहीं करते हैं, क्योंकि जीरो के अबाउट या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, इसका मतलब साइन तो सेम आने वाला ही है।
ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ ये है, पाई क्यू मार्क किया क्योंकि इसकी वजह से, माइनस पाई क्यू मार्क किया इसकी वजह से, जीरो क्यू मार्क नहीं किया क्योंकि जीरो इसकी वजह से भी आ रहा है और इसकी वजह से भी आ रहा है। और जो नंबर रिकॉल कर लो भले ही इलेवेंथ क्लास को, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, हम नंबर लाइन पे सिर्फ टू मार्क करते हैं, वन तो मार्क करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि वन दो बार आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, हाँ भाई देख लेते हैं साइन स्कीम, पाए से बड़ा देख लेते हैं, पाए से बड़ा आराम से देख सकते हो, पाए से बड़ा, पाए से थोड़ा सा बड़ा में साइन स्कीम हम लोगों को देखना है तो हम लोग आराम से देख सकते हैं। कैसे? अभी दिखा देता हूं। पाए से बड़ा यानी ये यहां पर साइन एक्स कैसा होगा? नेगेटिव। साइन एक्स कैसा होगा भाई? नेगेटिव। ठीक है, और पाए से बड़े में एक्स कैसा होगा भाई? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव एक भार पड़ा हुआ ही है, चेक करिए ओवरऑल साइन पॉजिटिव आ गया है। और ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो हमारे अल्टरनेट चलते ही हैं। मतलब यहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहां फंक्शन डिक्रीजिंग है और यहां फंक्शन इंक्रीजिंग है। समझ में आ गया? तो बस हमें आंसर मिल चुका है कि भाई माइनस पाई पर लोकल मैक्सिमम, पाई पर लोकल मिनिमा। और मुझसे उसने जीरो पर भी पूछा है तो आपको दिख रहा है जीरो पर तो फंक्शन फॉल करते हुए ही जा रहा है, जीरो पर तो फंक्शन फॉल करते हुए जा रहा है। इसका मतलब एट जीरो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। नाउ यू कैन चेक द ऑप्शंस एंड मुझे लगता है ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी और डी गलत है, उसने उल्टा लिख दिया है थोड़ा। पाई पर लोकल मैक्सिमा नहीं, पाई पर लोकल मिनिमा, माइनस पाई पर मिनिमा नहीं, माइनस पाई पर मैक्सिमा। बस इसमें एक गलती हम लोग कर सकते हैं और वो गलती मैंने आपको बता दी है, नहीं तो ये साइन स्कीम गलत कर दोगे। तो फिर साइन स्कीम एक एक करके हर इंटरवल में चेक करना, इक्वल टू जीरो करने पर जीरो, पाई माइनस पाई, और भी बहुत सारे पॉइंट, बट पाई और माइनस पाई मार्क करेंगे, जीरो मार्क नहीं करेंगे क्योंकि जीरो इसकी वजह से भी आ रहा है, जीरो इसकी वजह से भी आ रहा है। और जो इवन टाइम्स आए उसे हम नंबर लाइन पे मार्क नहीं करते हैं, नहीं तो फिर हमें थोड़ी और बात करनी पड़ जाएगी। आई होप हमें ये समझ में आ गया। चाहे तो इसे मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हो, पर किसी भी एंगल से तीन मिनट तो नहीं लग रहे, बहुत आसान से हम लोग सवाल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। एक फंक्शन है आर टू आर में, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक रिलेशन दे रखा है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स की पावर 5 प्लस एक्स। ठीक है, बोल रखा है एफ एक्स इज ऑलवेज, एफ एक्स हमेशा क्या होगा? एफ एक्स क्या हमेशा इंक्रीजिंग होगा? क्या एफ एक्स हमेशा डिक्रीजिंग होगा? क्या एफ एक्स हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा या एफ एक्स नॉन मोनोटोनिक होगा? समझ में आ गया? ऑप्शन ए तो बोल रहा है कि भाई इंक्रीज ही होगा, ऑप्शन बी बोल रहा है डिक्रीज ही होगा, ऑप्शन सी बोल रहा है कि भाई या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, पता नहीं, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि भाई इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा और इंक्रीज भी करेगा। आई थिंक ऑप्शंस में समझ में आ गया, करना कुछ भी खास नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस एक्स, यही है, और हमें एफ एक्स की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे कमेंट करना है। एफ एक्स की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे कमेंट करने के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में कमेंट करना है, एफ एक्स की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे कमेंट करने के लिए मुझे डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। डेरिवेटिव कर देते हैं, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, चेन रूल के अकॉर्डिंगली फिर एक एफ एक्स का भी एफ डैश एक्स, के एज इट इज, और अंदर का क्या होगा 5x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। आपको भी दिख रहा होगा कि भाई ये जो है
ये तो हमेशा क्या है? पॉजिटिव। ये तो हमेशा क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हमें समझ में आ गया? 5 times of x की पावर 4 + 1 वो तो हमेशा क्या है? पॉजिटिव। 5x की पावर 4 + 1 हमेशा क्या है? पॉजिटिव। और अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई के पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब खुद भी सोच सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। मेरे को खुद बताओ, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, अगर ये हमेशा फॉर ऑल एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव है, तो आप मुझे बता भी सकते हो, समझ में आ भी रहा होगा कि भाई अगर ये पॉजिटिव है हर एक्स के लिए, तो ये भी पॉजिटिव ही है हर एक्स के लिए। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही है। मुझे लगता है ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। समझ में आया? पता लग गया? यानी समझ में आया होगा कि f डैश या तो हमेशा पॉजिटिव है या f डैश हमेशा नेगेटिव है। f डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव और f डैश इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। आंसर इज सी। आई थिंक मुझे लगता है ये सवाल तो बहुत सिंपल सा डाल दिया गया था। आई थिंक इसमें 3 मिनट के लाइक तो कुछ भी है ही नहीं है, हार्डली 2-3, मुश्किल से 30 सेकंड का सवाल है। आ गया होगा भाई हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली कि भाई एफएक्स या तो हमेशा इंक्रीज करेगा या एफएक्स हमेशा डिक्रीज करेगा। या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या ये दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव हुए तो एफ इज इंक्रीजिंग, दोनों नेगेटिव हुए तो एफ इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब इट विल बी ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमेशा, क्योंकि ये तो हमेशा ही होल्ड कर रहा है। आ गया भाई? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया होगा? ये तो समझ में देखो आ भी रहा होगा, खुद सोच सकते हो। अगर ये के पॉजिटिव है, लेट्स से, तो इसका मतलब ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है। अब ये नंबर हमेशा पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इसका मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो या हमेशा डिक्रीजिंग हो। चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर के हमेशा नेगेटिव, के नेगेटिव नंबर है, के नेगेटिव नंबर है, तो ये टर्म क्या हुई? हमेशा नेगेटिव। और अब ये हमेशा नेगेटिव कब आएगी? जब ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो। तो समझ में आ रहा है कि भाई fx या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही कर रहा है या fx स्ट्रिक्टली डिक्रीज ही कर रहा है। दोनों काम एक साथ नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे तो ये फॉर ऑल x belongs to r लिखा हुआ है। दिस होल्ड्स, इट मे बी पॉजिटिव फॉर ऑल x belongs to r, इट मे बी नेगेटिव फॉर ऑल x belongs to r। तो इसका मतलब f dash will be positive for all x belongs to r or f dash will be negative for all x belongs to r. इसका मतलब function is increasing or decreasing. I think कुछ भी नहीं है, just common sense वाला problem है और कुछ खास है ही नहीं सवाल में। ठीक है भाई, next सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आसान है, NCERT based problem है, आपके boards में आता है, पर calculation होती है इसलिए 3.5 मिनट्स लिखा हुआ है, पर सवाल तो आसान होता है। पढ़ते हैं। The volume of the greatest cylinder which can be inscribed in a cone. तो देखो मैंने कोन बना रखा है, उसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर रखा है। कोन के लिए कैपिटल R और कैपिटल H यूज किए हैं, सिलेंडर के लिए स्मॉल R और स्मॉल H यूज किए हैं। ठीक है? हाँ भाई, बिल्कुल ऑर्डर में चलेंगे। हमें क्या करना है? सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मेरे को अब ये बताओ ये स्लेंडर मैन, स्लेंडर तो हम लोगों ने इंस्क्राइब किया था, तो भाई ये आर और एच दोनों क्या है? वेरिएबल। हमें मैक्सिमाइज किसको करना है? स्लेंडर के वॉल्यूम को। वॉल्यूम मैंने लिख दिया, आर इज अ वेरिएबल, एच इज अ वेरिएबल, बट हमें पता है, खुद सोच लो, मैक्सिमाइज इसे करना है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा, बट एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, दो वेरिएबल है, तो एनी हाउ आई हैव टू फाइंड वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल, यानी मुझे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना पड़ेगा। और ये पहले याद कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए कि भाई आपको स्लेंडर और कोन में दिख भी रहा होगा भले ही कि भाई आपको सिमिलर ट्रायंगल्स दिख रहा है, तो देखेंगे छोटा ट्रायंगल देखो उसमें आर है, बड़ा ट्रायंगल देखो उसमें कैपिटल आर है, दिख रहा है भाई स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, छोटा ट्रायंगल देखो उसमें सिर्फ ये आएगा, ये दिख रहा है कितना होगा आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक कितना है कैपिटल एच, यहां से लेकर यहां तक कितना है स्मॉल एच, तो आपको पता है बचा हुआ क्या है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है भाई, ये छोटे ट्राइंगल का लिया तो बड़े ट्राइंगल का क्या लेंगे भाई कैपिटल एच। समझ में आता होगा, दोबारा बता देता हूं, वी हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, but it has two variables, it means I have to find one variable in terms of other variable. तो उसके लिए मैंने concept किसका लगा दिया? Similar triangle का लगा दिया, मुझे लगता है यहां से h निकाल दें, small h जो vary कर रहा था निकाल देते हैं। चलिए calculation, cross multiply RH by capital R equal to capital H minus H, please check करिएगा, small h is coming out to be h minus R capital H by एच, हमारा ये आ गया। आ गया, हमें क्या करना था, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लाना था, प्लीज डाल दीजिए, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कॉपी कर रहा हूं, इनटू में एच, और एच कितना है एच माइनस आर एच बाय आर। ठीक है, चाहे तो कॉमन भी निकाल लीजिए, वी इक्वल टू पाई एच। ठीक है, अंदर क्या पड़ा है आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाय आर, और अब आप लोग सारे ध्यान से देख सकते हैं कि भाई ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल इज स्मॉल आर, तो टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा आई कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आई एम फाइंडिंग डीवी बाय डी आर। ठीक है भाई, पता है पाई एच तो बाहर ही होगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2R और आर क्यूब का डेरिवेटिव 3R स्क्वायर, और इसे किसके बराबर कर दूं, जीरो के बराबर, चेक करिएगा प्लीज, जीरो के बराबर करते ही आई एम गेटिंग 2 इज इक्वल्स टू 3R बाय कैपिटल R, तो भाई R कितना मिल गया 2 कैपिटल R बाय 3। मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा लास्ट में वेरीफाई कर दूंगा, पहले एक बार आंसर निकाल देता हूं, आर हमारा आ गया कैपिटल 2R बाई 3, कहां डाल दें, यहां डाल दो, स्मॉल h मिल जाएगा, डाल दो भाई यहां 2R बाई 3 डालोगे तो R से R कैंसिल, h माइनस 2h बाई 3 इज h बाई 3, लिख रहा हूं h कैपिटल h बाई 3 आ गया। हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम निकलने वाला है, वॉल्यूम विल बी पाई स्मॉल r स्क्वायर, दैट वुड बी 4R स्क्वायर बाय 9 इंटू स्मॉल एच, दैट इज कैपिटल एच बाय 3। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, कैपिटल एच आपको 30 दिया हुआ है, कैपिटल एच उसने आपको 30 दिया हुआ है, दिया हुआ है, और कैपिटल आर नहीं दिया तो उसके लिए सेमी वर्टिकल एंगल दिया है, तो आप लोग चेक कर सकते हो प्लीज, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वल्स टू कैपिटल आर बाय कैपिटल एच। काफी आसान सा सिंपल प्रॉब्लम है, बोर्ड का सवाल है। ठीक है भाई, तो एच 30 है,
तो आर मिलने वाला है, आर हमारे पास क्या आ गया, एच बाय रूट थ्री, यानी 30/√3। प्लीज पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। पाई 4/93/900/3, एच कितना था, 30। ठीक है भाई, कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया है। आ गया भाई, तो वी गेट द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एज 4000π/3। अगर वेरिफिकेशन करना है तो आपको पता होता होगा, वेरिफिकेशन के लिए सेकंड ऑर्डर टेस्ट कर लेते हैं, d2v/dr2 और निकाल लेते हैं। कहीं dv/dr निकाला था, ये रहा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, क्या आएगा, 2 minus 6r/R, और r आप लोगों ने क्या निकाला था, 2r/3, तो यहां पे r को तुम 2r/3 डालिए, 2r/3 डालिए, तो चेक करिए, जब तुम यहां पे 2r/3 डालोगे तो चेक करिए प्लीज, ये 2 minus 4 नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आने का मतलब कि भाई r इक्वल टू 2r/3 पर मैक्सिमा ही अचीव होगा। तो दिस प्रॉब्लम इज प्योर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी में इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे। कैसे, कि भाई किसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा उसमें दो वेरिएबल होंगे, तो कुछ भी यूज करके आई हैव टू फाइंड वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। सवाल आसान है बट कैलकुलेशन है, तो मुझे लगता है इतना टाइम तो सफिशिएंट है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है भाई, चाहे तो मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशंस, कंसेप्ट तो कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट सिर्फ इन प्रॉब्लम में एक ही होता है, जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है लिखो, उसमें हमेशा दो वेरिएबल आएंगे, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में निकालो, वो मैंने यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल से निकाल दिया है। दैट्स इट, सिर्फ थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन की वजह से बोल सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम तो आसान है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, और आई थिंक इस एग्जाम में इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपके पास 4 मिनट्स थे, तो कुछ भी पूछ ले, 4 मिनट में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार fx लिख लू, fx कॉपी कर लू भाई, मल्टीपल ऑप्शन है, x की पावर 4/3 माइनस x की पावर 1/3। ठीक है, स्टेप्स वाइज चलेंगे, पहले ऑप्शन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बातें हो रही हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए d2y/dx2 तक पहुंचना पड़ेगा, ऐसा करते हैं, उससे पहले कुछ और भी बात कर लेते हैं। हैज वन पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा, यानी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर लेते हैं, कर लेते हैं पहले, ऑर्डर में चलते हैं, रिकॉल करिए, फॉर लोकल मैक्सिमा या कहें मिनिमा, उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि f'x या तो 0 आना चाहिए या f'x फेल होना चाहिए। ठीक है भाई, f'x या तो 0 आना चाहिए या फिर f'x फेल होना चाहिए, देख लेते हैं। f'x तो निकालें पहले, 4/3 x की पावर 1/3 माइनस 1/3 नीचे x की पावर 2/3, ये हमारा f डैश x आया। थोड़ी सी कैलकुलेशन करना चाहे तो भले ही LCM भी ले लेते हैं, तो LCM में 3 x की पावर 2/3 आया और ऊपर 4x-1 आया। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, सफिशिएंट तो बाद में, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, कि dy/dx 0 होना चाहिए या फेल होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इसको 0 करूंगा तो x equal to 1/4 आ रहा है, इसको 0 करूंगा तो x equal to 1/4 आ रहा है, तो ये हो सकता है मैक्सिमा मिनिमा हो, मुझे नहीं पता, और फेल देखना चाहे तो देख सकते हैं x equal to 0 पे dy/dx नहीं आ रहा है, तो x equal to 0 पे dy/dx फेल कर रहा है। ठीक है भाई,
तो x इक्वल टू 1/4 पे dy बाय dx 0 आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे dy बाय dx फेल हो रहा है. दीज आर द पोटेंशियल पॉइंट्स. चेकिंग कर लेते हैं, आई थिंक साइन स्कीम से चेक कर देता हूं कौन सा पॉइंट बनाऊंगा. आई थिंक सिर्फ 1/4 ही बनाऊंगा. आई थिंक मुझे लगता है ये जीरो तो मैंने नॉट डिफाइन की वजह से मार्क किया था, या फिर आप देख भी सकते हो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है. दिख रहा है ना, एक्स की पार्ट 2/3 यानी क्यूब रूट लेके स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो पॉजिटिव ही है. तो पता लग रहा होगा 1/4 से इधर ये पॉजिटिव है, तो इधर 1/4 से छोटे पर ये नेगेटिव है. इसका मतलब फंक्शन पहले फॉल करेगा और फिर उसके बाद रेस करेगा, राइज करेगा, करेगा. इसका मतलब 1/4 पे क्या मिल गया, लोकल मिनिमा. लोकल मिनिमा, गलती मत कर देना, एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो तो इस तरफ है ना, जीरो तो यहां कहीं है, जीरो पर तो फंक्शन फॉल कर रहा है, तो जीरो पर तो फंक्शन डिक्रीजिंग ही है, गलती मत कर देना. लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए सबसे पहले dy by dx 0, उसके बाद dy by dx fails, पोटेंशियल पॉइंट 1/4 और 0, 1/4 के अबाउट साइन चेंज हो रहा है, 0 के अबाउट तो हमेशा पॉजिटिव ही है. तो भाई एक लोकल मिनिमा आ गया, तो ऑप्शन बी तो सही हो गया, ऑप्शन सी भी सही हो गया. fx is non-differentiable, yes fx is non-differentiable because it is non-differentiable at x equal to 0, dy by dx is coming out to be infinite vertical tangent. ठीक है, इसके बाद अब वो बात कर रहा है भाई हमसे points of inflection की. recall करो, points of inflection के लिए, points of inflection के लिए, for points of inflection f double dash x equal to 0 or f double dash x fails, these are the necessary condition, not sufficient one. Point of inflection के लिए f double dash x 0 होना चाहिए या fail करना चाहिए, sufficient नहीं है, necessary है. चलो f double dash x निकाल के रखते हैं. f dash x आप लोगों ने निकाल रखा था, f double dash x ध्यान से देखेंगे. 4 by 3 x की पावर 1/3, 1/3 आगे आ जाएगा 4/9 x की पावर -2/3, तो 4/9 x की पावर -2/3. ठीक है भाई, यहां देखिएगा, यहां पे ये x की पावर -2/3 है, ये -2/3 आगे आ जाएगा तो +2/9, और चेक करिएगा x की पावर -2/3 है तो ये आगे आएगा और -5/3 पावर आ जाएगी. मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है. कैलकुलेशन के लिए फिर वही थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं. एलसीएम तो कितना आएगा, 9x की पावर 5/3, समझ में आ रहा होगा. हाँ भाई, ऊपर कितना आया, 4x प्लस 2, ये मैंने f डबल डैश x निकाल दिया, तो f डबल डैश x को क्या करना था, 0. x कितना आया, -1/2. f डबल डैश x को क्या करना था, फेल, वो तो फेल हो ही गया था. जब f डैश x फेल हो गया था तो f डबल डैश x तो फेल होना ही था, कहां पे, 0 पे. ठीक है, तो ये जो x इक्वल टू -1/2 और x इक्वल टू 0, जो ये पॉइंट्स आए हैं, दे आर द पोटेंशियल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन. व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन, f डबल डैश should change its sign while crossing over these two points for the point of inflection. ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब, अगर मैं यहां 0 बनाता हूं और -1/2 बनाता हूं, अगर ये 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो यहां पर साइन चेंज होना चाहिए, साइन उल्टा आना चाहिए. अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो साइन उल्टा आना चाहिए. देख लेते हैं जल्दी से, गलती नहीं चाहिए. हाँ भाई, 0 से इधर, 0 से बड़ा, जीरो से बड़ा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव आया. जीरो से थोड़ा छोटा, जीरो से थोड़ा छोटा, जीरो से थोड़ा सा छोटा, नेगेटिव, जीरो से थोड़ा छोटा, -0.1, ये नेगेटिव लेकिन ये पॉजिटिव, नेगेटिव आया.
माइनस हाफ से छोटा, मतलब नेगेटिव नंबर ही है लेकिन माइनस हाफ से छोटा हो चुका है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, यानी माइनस हाफ और जीरो पर एफ डबल डैश के साइन चेंज हो रहे हैं, कॉनकेविटी चेंज हो रही है, मतलब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब बोलोगे ग्राफ बना के कर लो, मुझे लगता है ग्राफ बना के करोगे तो ग्राफ बनाते वक्त ये तो सब मैथमेटिकली निकालना ही पड़ेगा, जब निकालोगे तभी बता पाओगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है, ग्राफिकली आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता नहीं लगने वाला कि कहां पर आएगा, ठीक है। बस एक लास्ट ऑप्शन और है डी, डी में उसने मेरे से रेंज पूछी है, और रेंज अगर पूछी है तो आई थिंक आपके पास आंसर यहां पे है कि भाई पहले एफ क्या कर रहा था फॉल, और फिर एफ क्या कर रहा था राइज, तो समझ में आ रहा होगा कि भाई एफ की मिनिमम वैल्यू तो 1/4 पर आएगी और एफ की मैक्सिमम वैल्यू या तो इन्फिनिटी पे आएगी या माइनस इन्फिनिटी पे आएगी, पहले फॉल कर रहा है फिर राइज कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो मैं लिख देता हूं, मिनिमम वैल्यू भले पेज ऐड कर लेते हैं एक, हाँ भाई तो एफ ऑफ 1/4 वुड बी द मिनिमम वैल्यू, और एफ ऑफ इन्फिनिटी या फिर एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, समझ में आ रहा होगा कि भाई फॉल करके राइज करेगा तो यहां मिनिमम यहां पर कहीं मैक्सिमम, तो एफ ऑफ 1/4 तो आप लोग निकाल ही लोगे, बस करना क्या है एक्स की जगह यहां पे 1/4 डालना है, निकाल देता हूं भले 1/4 की पावर 1/3 इंटू -3/4 करके देख लो, ये -3 इंटू 8 की पावर 2/3 ही है, सॉरी 2 की पावर 8/3 ही है। अब f ऑफ इन्फिनिटी निकालना है तो वो आप देख ही सकते हो, अगर आप x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो दिस इज इन्फिनिटी ऑल्सो दिस इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो समझ में आ गया रेंज कहां से कहां तक हुई, -3 इंटू हो गया -3 इंटू 2 की पावर 8/3 से इन्फिनिटी, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो द आंसर। तो सवाल 4 मिनट तो बहुत है सवाल के लिए, यू कैन पुट द प्रॉब्लम इन द मीडियम कैटेगरी, हाँ भाई इसमें मैक्सिमा मिनिमा भी निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकाल लिया, रेंज भी निकाल लिया, डिफरेंशिएबिलिटी का भी डिस्कशन कर दिया, सवाल आसान ही है। चलो वील मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है यार अब इस तरह के सवाल तो हमारे पास काफी सारे आ गए हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर एन, चलो मैं कॉपी कर देता हूं, ये तो आई थिंक हमने बहुत सारे अब सवाल कर लिए, ठीक है हम इस सवाल को nth डेरिवेटिव टेस्ट से भी करते हैं, बट मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया है, बहुत सिंपल तरीका होता भी है भाई, क्यों, क्योंकि इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात है, सिर्फ और सिर्फ कहां करने को बोले 1 और 2 पर, क्या 1 और 2 पर ही बात करनी है, बिल्कुल हाँ बात करनी है, हाँ भाई एन के लिए इवन या ऑड, मैंने दोनों केस डिस्कस कर देता हूं काम आपका चल जाएगा, ठीक है पहले एन इवन, यहां 1 है यहां 2 है और n even है, n is even, आपको पता है अगर नंबर 2 से बड़ा है, सॉरी यहां पार 4 भी थी, हाँ भाई अगर नंबर 2 से बड़ा है तो पता है ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है, कैसे बना लो पॉजिटिव ही है, सॉरी पॉजिटिव ही है, ठीक है भाई बना देते हैं, पॉजिटिव है, समझ में आ गया होगा, एक्स अगर 2 से बड़ा है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, छोड़ो ना इतनी बात क्यों कर रहे हैं भाई, एन अगर इवन है तो ये भी पार पॉजिटिव सॉरी ये भी पार इवन ये भी पार इवन कहीं कर लो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी यहां भी पॉजिटिव आएगा यहां पर भी पॉजिटिव ही आएगा और फिर उसके बाद भी पॉजिटिव ही आएगा, समझ में आ गया होगा, आई थिंक कुछ बताने लायक इस सवाल में है ही नहीं, अगर n इवन है
ये तो इवन है ही है, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, खत्म। एक एन ऑड वाला डिस्कस कर लेते हैं, यहां थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। सॉरी, ध्यान से, एन ऑड माना है टू से बड़ा, तो ये पॉजिटिव नंबर हुआ, पॉजिटिव की पार ऑड पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही है, तो यहां पॉजिटिव है, ठीक है। टू से थोड़ा छोटा 1.99, ये तो पॉजिटिव ही है, 1.99 डालने पर ये नेगेटिव आया, नेगेटिव की पार ऑड नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आया, ग्राफ नीचे चला गया, चला गया भाई, वन से टू तक की बात हो गई, नेगेटिव हो गया, सही है भाई। अब कौन सा इंटरवल डिस्कस करना है, वन से छोटा, वन से थोड़ा सा छोटा 0.9, हाँ भाई 0.9 डालने पर ये तो नेगेटिव आएगा बट पार फोर उसे पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव 0.9 डालने पर ये नेगेटिव आएगा और ऑड पार तो उसको नेगेटिव ही कर देगी, ओवरऑल साइन कैसा आ गया, नेगेटिव, यानी ग्राफ नीचे ही रहेगा। आपको आई थिंक रिजल्ट मिल चुके हैं, बस चेक कर दीजिए। हाँ भाई, ऑप्शन ए, अगर एन ऑड है, यानी इस ग्राफ की बात हो रही है, एक्स इक्वल टू वन इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यस वन इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कम टू ऑप्शन बी, इफ एन इज इवन, दिस इज द ग्राफ, एन इज इवन, x equal to 1 is the point of local maxima. No, 1 is the point of local minima. ठीक है भाई, तो option C तो सही हो गया। हाँ भाई, come to option D. If n is even, यानी ये graph है, x equal to 2, x equal to 2 पे local minima. बिल्कुल सही बात है। Answer is D. 1.5 minutes दिए हैं, मुझे लगता है सवाल में 1.5 minutes ही लगेंगे, इससे ज्यादा या कम नहीं लगेंगे। तो सवाल को हम चाहें तो मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं, पर सवाल काफी आसान है, काफी सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। fx equals to x की पावर 4, ये कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, dy by dx निकाल लेते हैं। f dash of x, सारे लोग निकालेंगे, 4x cube minus 12x square plus 12x minus 4, कर दिया। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के लिए 4 बाहर भी निकाल लो, अंदर क्या बचा, x cube minus 3x square plus 3x minus 1, यार इससे अच्छा काम क्या होगा, ये तो क्या लिखा हुआ है, x minus 1 का whole cube, लिखा हुआ है, समझ में आ गया, ऑड पार है, साइन स्कीम चेक कर लेते हैं, नंबर लाइन पे सिर्फ कौन मार्क होगा, 1 दिख रहा है, 1 से बड़े के लिए इट इज पॉजिटिव, 1 से छोटे के लिए इट इज नेगेटिव, मतलब पहले फंक्शन फॉल करेगा फिर फंक्शन राइज करेगा, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल हाँ, 1 से इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन बी, 1 से इन्फिनिटी तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, नहीं, 1 से इन्फिनिटी तो इंक्रीज कर रहा है, x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा है, बिल्कुल x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा है। ऑप्शन डी, f में कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, अभी तो बताया लोकल मिनिमा है, खत्म सवाल, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट्स तो इस सवाल में लगेंगे ही नहीं, सवाल काफी आसान है। चलिए भाई लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं क्या सवाल है, टेंजेंट नॉर्मल का सवाल, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, इस पर पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट ड्रॉन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मेन इस सवाल में सॉरी यही है कि जो टेंजेंट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट इक्वल कट कर रहा है लेकिन अपोजिट इन साइन कट कर रहा है, इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब कुछ ऐसे, ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट बराबर है
बट वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, एक्स इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, या फिर कुछ इस तरीके से, ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट बराबर है बट एक्स इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट इज नेगेटिव. यू कैन चेक दिस एंगल इज 45 degree. यू कैन चेक दिस एंगल इज 45 degree. इसका मतलब हमें सवाल में टेंजेंट की स्लोप दे दी गई है. कितने? 1. गलती नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1. गलत मत करना, साफ साफ बोला गया था कि टेंजेंट्स कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट्स इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. तो दीज आर द ग्राफ, कहीं ये वाला ग्राफ मत बना लेना. टेंजेंट ऐसा बना लिया तो स्लोप -1 आ जाएगा, बट ये गलत है. इंटरसेप्ट इक्वल है बट सेम साइन के हैं. स्लोप को 1 करना है, स्लोप को 1 हमें करना आता है, टेंजेंट की स्लोप को 1 करना है, और टेंजेंट की स्लोप को 1 करना है वो तो dy/dx से ही निकलती है. खत्म सवाल. dy/dx 3x² / 3, 10x/2 +7 इक्वल टू, में 1 पड़ा है, x² - 5x + 6 इक्वल टू 0, x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू 0. क्या क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गए? x = 2, x = 3. यार y तो आप सारे लोग निकाले लोगे. x = 2, x को 2 डाल दो, y आपका 8/3 आ जाएगा, आप निकाल सकते हो. x को 3 डाल दो, y आपका 7/2 आ जाएगा, निकाल के देख लो. ऑप्शन ए एंड बी प्रॉब्लम काफी आसान, कैलकुलेशन में आई थिंक 2 मिनट्स लग सकते हैं पॉइंट निकालते वक्त. तो ओवरऑल क्विज एनालाइज करें तो क्विज बहुत आसान था, 16-17 प्रॉब्लम्स डुएबल थे, 1 या 2 प्रॉब्लम्स थोड़े से टफ थे, बट आई थिंक आप सबको 16 से 17 प्रॉब्लम तो कम से कम इस क्विज में करने ही चाहिए थे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. चलिए.